इज इंग्लिश क्लास सिक्स लेसन थ्री पार्ट वन एन एडवेंचर विद अ बियर। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन अ प्लीजेंट ओल्ड हाउस ऑन द एज ऑफ अ बिग फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ स्वीडन। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला थी जो कि रहती थी एक पुराने घर में जो कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अंत में था, यानी कि फॉरेस्ट यानी जंगल के अंत में था नॉर्थ स्वीडन में। ठीक है, दिस लेडी हैड अ पेट बियर। इस लेडी का जो पालतू था वो बियर था, भालू था। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ इट, और वो उसको बहुत चाहती थी। शी हैड बीन फाउंड ऑफ इट इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर। तो उसको ये मिला था जंगल में आधा अधमरा अधमरी हालत में भूख के कारण। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, बिल्कुल छोटा था और हेल्पलेस था। शी ब्रॉट इट अप ऑन द बॉटल, और वो उसको ले आई। देयर वॉज मैनी ईयर्स एगो, दिस वॉज मैनी ईयर्स एगो, और ये चीज़ बहुत पुरानी है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू बी अ बिग बियर, और अब वो एक बड़ा भालू बन चुका है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कुड ईजली किल अ काउ एंड कैरी इट अवे बिटवीन इट्स टू पॉज एंड इफ ही वॉन्टेड टू। तो इतना बड़ा बन चुका है कि इतना बड़ा और इतना ताकतवर बन चुका है कि ये आसानी से एक काउ को मार सकता है और अपने जबड़ों से दबा करके घसीट सकता है अगर ऐसा चाहे तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू सो, और लेकिन वो ये सब करना नहीं चाहता। ही वॉज वेरी फ्रेंडली बियर हु नेवर हर्ट एनीवन, वो बहुत फ्रेंडली बियर है जो किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाता है, मैन और बीस्ट, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल क्लेवर आइज इन द मोस्ट फ्रेंडली वे। तो वो उसके कैनल के बाहर बैठ जाया करता और अपनी छोटी और चालाक आँखों से सबको बहुत प्यार से देखा करता। एट द काउज ईटिंग ग्रास इन द फील्ड्स नियर बाई, काउज को देखा करता जो कि ग्रास खा रही होती हैं सामने फील्ड पर। द थ्री रफ कोटेड माउंटेन्स हॉर्सेज इन द स्टेबल, और तीन रफ कोटेड माउंटेन्स यानी पहाड़ जो को देखता, हॉर्सेज को देखता, घोड़ों को देखता जो कि स्टेबल में है, अस्तबल में है। न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट, और जानता था कि डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही केम इनटू स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। तो ये जानता था कि स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। तो कहाँ है, ईटिंग ग्रास इन द फील्ड्स नियर बाई द थ्री रफ कोटेड माउंटेन्स, तो तीन रफ कोटेड माउंटेन्स को देखा करता, हॉर्सेस को देखता जो कि स्टेबल में है, और उसे पता था कि डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही केम टू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, और वो घोड़े बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे जब वो अपनी मालकिन के साथ उनके अस्तबल में जाएगा। द चिल्ड्रेन रोड ऑन हिज बैक एंड हैड बीन फाउंड मोर देन वंस एस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज पॉज। तो चिल्ड्रेन क्या होगा कि चिल्ड्रेन जो थे वो रोड ऑन उसकी पीठ पर बैठ जाते और सवारी करते, और कुछ लोग तो उसी के घर में जा करके सो जाते। सो दिस इज कैनल बिटवीन हिज, सो दिस वन दिस इज ओनली फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, थैंक यू।